Hello and welcome to the first episode of Mission 2020 DLLB. अब यहाँ पर आज हम जब पहला एपिसोड यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर एनी DLLB एस्पिरेंट कि उनको आने वाले जो अभी 6 महीने हैं उनमें किस हिसाब से तैयारी करनी है ताकि वो 3 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू नॉर्थ कैंपस के अंदर आकर LLB कर सकें। और अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB करने के लिए एस्पायर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को इग्नोर ना करें। इस वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि हमारी पूरी सीरीज़ किस तरह से जाएगी, आगे आपके लिए क्या क्या वीडियोज़ आएंगी, उन वीडियोज़ में आपको क्या क्या डाटा मिलेगा, क्या क्या चीज़ें मिलेगी। अगर आप लास्ट ईयर की वीडियो उठाकर देखेंगे जो हमने मिशन एडमिशन DLLB 2019 चलाया था, उसी तरह इस साल भी DLLB मिशन एडमिशन 2020 हम चला रहे हैं। और स्टार्ट हमने थोड़ा जल्दी कर दिया है तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम कवर करें। सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होगी, जो हमने लास्ट टाइम भी आपको कहा था और इस टाइम भी हम आपको कहना चाहते हैं, कि सबसे पहले आप एग्ज़ाम के बारे में जानिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पर होगा, सेंटर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जा सकता है। अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में होंगी तो आपको एग्ज़ाम जो निकालना है वो सबसे आसान हो जाएगा। तो आज जो सबसे पहला काम आपको करना है वो वीडियो देखने के बाद ये करना है कि एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, वो आप लिख कर रख लीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है वो आप लिख कर रख लीजिए। फिर हर एक सब्जेक्ट के लिए आप ये लिख कर रख लीजिए कि यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से क्या पूछा जा सकता है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन भले आप मत लिख कर रखिए, लेकिन आप ये ज़रूर लिख कर रखिए कि कहाँ पर कौन सा टॉपिक जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जब आप ये सब कर लेंगे उसके बाद आपका काम क्या होता है, आपका काम होता है कि अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। रोज़ की रोज़ थोड़ा थोड़ा करना बेटर होता है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। आप सोचें कि आखिरी के 1 महीने में, आखिरी के 10 दिन में ये पेपर निकाला जा सकता है, तो जी हाँ बेशक निकाला जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा फिर आपके लक के ऊपर कि जो आपने पढ़ा है सिर्फ वही एग्ज़ाम में आ जाता है कि नहीं आ जाता है। अगर मुझसे पर्सनली पूछें कि अगर आपके पास टाइम है, जैसे आप ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में हैं या फिर 1 साल ड्रॉप करके ही DLLB की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास एम्पल टाइम है, आप अपने टाइम को निकालिए। थोड़ा थोड़ा टाइम, एक एक दो दो घंटे अभी से देना शुरू कीजिए। न्यूज़पेपर पर फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स पर फोकस कीजिए। उसके बाद आप लीगल न्यूज़ भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि लीगल न्यूज़ भी आजकल जो है वो मार्केट में चल रही है और क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे 2 क्वेश्चन पुटअप करना चाहूँगा इस वीडियो में। पहला तो ये मुझे बताइए, अडल्ट्री जो हटाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो कौन से जजमेंट में हटाई गई थी? और दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सिमिलर है, जो 377 स्ट्रक डाउन हुई थी। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि सेक्शन 377 किसके बारे में है, और उसके बाद जो स्ट्रक डाउन हुई है वो किस केस में स्ट्रक डाउन हुई है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज से मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए रोज़ एक वीडियो लाए DLLB मिशन 2020 में, और उसके साथ साथ आपको बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे जाएं आपसे, उसके साथ साथ आपकी नॉलेज टेस्ट की जाए, साथ ही साथ में लाइव सेशंस करेंगे हम Q&A के साथ, जहां पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें लग रहे होंगे वो हम लाइव सेशंस में डिस्कस करेंगे और बातचीत करेंगे एपिसोड्स में। यहां पर जो ये पहला एपिसोड है वो इम्पोर्टेंस इसी भी लगता है क्योंकि हम यहां पर आपको बता रहे हैं हम आपको यहां पर ये बता रहे हैं कि हम क्या क्या वीडियोस लाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें रह गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर ये भी लिखकर बताइएगा कि क्या क्या वीडियोस रह गई हैं, क्या क्या वीडियोस आप और चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसी हिसाब से आपके लिए सारी की सारी वीडियोस लाते रहें। अब यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि हम इस साल जो वीडियोज़ हैं वो गाइडेंस के अलावा सब्जेक्ट के ऊपर भी लाएंगे, कि सब्जेक्ट के लिए भी अलग स्पेसिफिक आपके लिए वीडियोज़ रहेंगी। फिर आपके लिए अगली जो वीडियो आ रही है वो ये आएगी कि विच बुक शुड यू प्रेफर, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक आपको नहीं पढ़नी चाहिए, रिसोर्सेज क्या है, वो अगली वीडियो में आएगा। उसके बाद जो तीसरी वीडियो आएगी वो आएगी आपके स्टडी प्लान को लेकर, कि आप किस हिसाब से प्लान करें स्टडी को। चौथी वीडियो ये आएगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए DLLB की प्रिपरेशन के लिए। पाँचवीं वीडियो ये आएगी कि कोचिंग आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में आएगी। छठी वीडियो आपके लिए आएगी सिलेबस के रिगार्डिंग, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना चाहिए वो। फिर सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं वीडियो आएगी आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को लेकर, एक एक वीडियो से टारगेट कर रही होगी एक एक सब्जेक्ट को। उसके बाद आपके लिए जो वीडियोज़ आएंगी
वो होगी आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जिसमें हम आपको बताया करेंगे कि आप उस सब्जेक्ट के उस पार्ट को कैसे टैकल करें, और साथ ही साथ उस पार्ट को हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो लेक्चर्स में लाएं, ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। एक बार जब आप वीडियो देख लेते हैं तो दूसरी बार आप जब बुक से पढ़ने जाएंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी महसूस होगी उस भी किसी भी पार्ट को करने के लिए। अब यहाँ पर आपके जो भी सजेशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेलकम्ड है। साथ ही साथ हम आपके लिए एक सीरीज और लाने की सोच रहे हैं, जो लोग डीयू में पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो डीयू में पढ़ेंगे उनके लिए, या फिर लॉ एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। हम सोच रहे हैं कि आपके लिए एक ऐसी सीरीज ले आए जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिया करें लॉ के बारे में, लॉ कैसे प्रोसीड हो रहा है और लॉ कैसे आगे बढ़ रहा है, तो ताकि आप भी उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो में इतना ही कंटेंट रखना चाहेंगे। अगली वीडियो में जैसा कि आपको शेड्यूल बताया उसी हिसाब से चलेंगे। और कोई आपके सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सपोर्टर्स। भारत माता की जय। जय हिंद।